वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है हमारे फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो अभी भी वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है, चल रहा है आई थिंक, एंड जिन्हें सीट अलॉट हो चुकी है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे हम जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है उसका सिलेबस जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसकी डिस्कशन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सिलेबस देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है, मेरे पास ये सिलेबस डाउनलोड था पहले से और मैंने अभी जल्दी ही इसको डाउनलोड किया है, तो कोई ख़ास इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ये सिलेबस आप देख सकते हैं। तो जब मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किया तो तीनों ही ईयर का एक ही पीडीएफ डाउनलोड हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का ही सिलेबस मेंशन है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट वन में इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सबसे पहले दे रखा है इन्होंने। तो इलेवेंथ में हम लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद आया रिफरेंस फ्रेम, है ना। तो रिफरेंस फ्रेम के दो टाइप होते थे, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, है ना, टू टाइप रिफरेंस फ्रेम होते थे। तो यहाँ पे वही एक टाइप दे रखा है, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था हमने, तीन लॉज होते थे हमारे। पहला लॉ होता था लॉ ऑफ इनर्शिया, और इन्हें लॉ ऑफ मैकेनिक्स भी कहते थे। और जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया था वहाँ से हम इनर्शिया वगैरह के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। और सेकेंड लॉ होता था हमारा लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पी हमारा यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल यहाँ पे हटा दें तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, एफ इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बाद में जो हमारा कांस्टेंट आया था, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट आया था के, तो उसको हम वन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो वो तो वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, ठीक है। पी का, पी हमारा लीनियर मोमेंटम है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे हम पी की जगह पे एम वी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ओहो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा F इज इक्वल टू डी एम वी बाय डी टी। तो यहाँ पे M कांस्टेंट M आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा F इज इक्वल टू एम डी वी बाय डी टी, है ना, कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अच्छा, अब ये जो डी वी बाई डी टी है ये क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए के इक्वल, यानी कि एसिलेशन के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी की जगह हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम डी वी बाई डी टी की जगह हमने ए पुट कर दिया, ए होता है एसिलेशन। तो एसिलेशन की डिफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, डी वी बाई डी टी ए इज इक्वल टू, तो डी वी बाई डी टी की जगह ए हमने पुट कर दिया, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में। ये हमने इलेवेंथ में पढ़ा था, बस यही जो है हमारे बी एस सी में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिवाइज करा दी हूँ आपको। और थर्ड लॉ हमारा कौन सा था, लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का था। तो उसमें कुछ हमारा क्या होता था, यहाँ पे आता था हमारा, मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता था एफ़ वन टू है तो माइनस का एफ़ टू वन है, ये तो इक्वल होंगे, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे दो फोर्सेस होती थी जो इक्वल, और इक्वल तो होती हैं दोनों फोर्स पर अपोजिट रिएक्शन दोनों का, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल है बट इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, इसीलिए जो दूसरी फोर्स में जो है जो डायरेक्शन है उसका निगेटिव आ जाएगा, माइनस इसीलिए लगता है यहाँ पे एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन। तो ये हमारा एक्शन एंड रिएक्शन है, आई होप आपको याद आया होगा, सब आप इलेवन में पढ़ के आए हो, यहाँ पे रिविजन करा रहे हैं और बी एस सी में भी हमारा यही है, वहीं पर से आपको अपनी स्टार्टिंग करनी है, ओके एंड ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे हम देखते हैं डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलीनियर एंड सर्कुलर मोशन, ओके।
तो यहाँ पे आई थिंक आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है 11th में, ठीक है। रेक्टिलिनियर का नहीं पता मुझे, सर्कुलर मोशन आई थिंक था, ठीक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बीएससी में बहुत आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे शायद आपने 11th में इसकी डेफिनेशन ही पढ़ी होगी। बट यहाँ पे अगर जब आप पढ़ोगे बीएससी में इसको फिर से कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को, तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितनी है वो सब पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो होता है यहाँ पे थ्योरम, वो पढ़ोगे आप। ये आई थिंक आपने 11th में भी पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं पढ़ा होगा तो आप इसमें पढ़ोगे, पर मुझे लग रहा है 11th में था ये, ओके। और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ये सब आप डिफिनेशन पढ़ के आए हो 11th में, छोटी छोटी कोलिजन हो गया, ये सब आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आप सब डिटेल्ड में पढ़ोगे इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के बारे में और एंगुलर मोमेंटम की जो प्रॉपर्टी वगैरह होती हैं, जो न्यूमेरिकल्स में इनके फॉर्मूले यूज़ होंगे, वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे। कोलिजन आप दोनों ही डायमेंशंस में पढ़ोगे, 1D 2D दोनों में पढ़ोगे। क्रॉस सेक्शन यहाँ पे न्यू ऐड हो सकता है बीएससी में, ये पढ़ोगे आप। अब हम यूनिट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 2 में क्या है, रोटेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडीज़। तो आपने अपने इंटरमीडिएट में सिर्फ इनर्शिया की डिफिनेशन आपने पढ़ी थी, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है, एग्जांपल उसका पढ़ा था, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हो रोटेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ा है, और द कम्बाइंड ट्रांसलेशंस एंड रोटेशनल एंड मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है, उसकी डिफिनेशन पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बढ़ गई है कि जो है यहाँ पे देखिए हो गया ये, एंड रिजिड बॉडी का जो मोशन है आपने हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन दोनों में पढ़ना है। सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ द मोशन ऑफ ए टॉप, ये सारी चीज़ें हैं। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ोगे, और यहाँ पे टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये सब पढ़ोगे, बेंडिंग बीम आपका न्यू ऐड है बीएससी में। एंड आपने जो कोलिजन पढ़ा था, तो कोलिजन के दो टाइप आपने पढ़े हैं इंटरमीडिएट में 11th में, इलास्टिक कोलिजन। पता नहीं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार ये ऑफ हो रहा है, मुझे बार बार जो है फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने कोलिजन पढ़ा था, कोलिजन के दो टाइप पढ़े थे, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उसका डिटेल्ड पढ़ोगे। देखो यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ोगे, ठीक है। बेंडिंग ऑफ बीम न्यू ऐड है, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर है। यूनिट 3 में हम आते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल फोर्स आपका न्यू ऐड है, ओके। सेंट्रल फोर्स है, 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 पार्टिकल की जो सेंट्रल जो है फोर्स है प्रॉब्लम है वो आप पढ़ोगे। रिड्यूस्ड मास का जो प्रॉब्लम है वो पढ़ोगे यहाँ पे, 2 पार्टिकल प्रॉब्लम इसको कहते हैं डायरेक्टली। एंड यहाँ पे रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन पढ़ोगे आप। अच्छा, अब देखिए यूनिट 3 में आपका जो ये लास्ट में लिखा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉ, मोशन ऑफ प्लानिट एंड सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार इस जो है आपको पढ़ाया जाएगा, डिटेल हो सकता है इसका। वहाँ पे आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हो, सेम यहाँ पे वही पढ़ोगे। केपलर्स लॉ तीनों आपने 11th में पढ़े हैं, और तीनों ही आपके बीएससी में भी हैं, ठीक है, सेम वैसे ही होंगे। मोशन ऑफ प्लैनेट्स भी आप पढ़ के आए हो, सैटेलाइट वगैरह के बारे में भी आपने पढ़ा है, यहाँ तक कि आपने 11th में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी पढ़ा है, वो भी आपके बीएससी में है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं यूनिट 4 पर। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 4 जो हमारा है वो वेव मोशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन ये 11th में था। अच्छा, एक चीज़ और है, NCERT जब से लागू हुआ था तो आई थिंक काफ़ी सिलेबस कम हो गया था आप लोगों का। तो यहाँ पे मेरे पास 11th की बुक है, राइटर वाली बुक है, NCERT बेस्ड है वो, तो उसके सिलेबस से, खैर नहीं ये सारा सिलेबस था आपके इस बार भी, 11th का सिलेबस हाँ था, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनेशन आपने पढ़ी थी, था ये आपका ऑक्सीलेशन एंड वेव, जो लास्ट यूनिट थी आपकी उसमें था, वेव मोशन से था ये। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, इसमें आप न्यू ऐड हुआ है आपका BSc में, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ये न्यू ऐड है BSc में, आप पढ़ोगे इसको। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM एंड सॉल्यूशन, यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, डैम्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन न्यू एडिड है, ये आप पढ़ोगे, ठीक है, ये आपका 11th में नहीं था। एंड कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पढ़ने वाले हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन ये भी आप पढ़ोगे न्यू, ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव फ्लूड इन फ्लूड मीडिया, ठीक है, तो ये न्यू पढ़ोगे आप इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, फेज चेंज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सब पढ़ोगे। सुपरपोजिशन आपने पढ़ा होगा 11th में, स्टेशनरी वेव आपका था 11th में, था स्टेशनरी वेव, ठीक है, तो इसमें भी है। प्रेशर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी 11th में आई थिंक होगी, नहीं होगी तो आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी में डिफरेंस वगैरह पढ़ोगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ोगे। तो ये आपका मैकेनिक्स का सिलेबस हो गया, कैसे आपको पढ़ना है 11th 12th में, क्या क्या चीज़ें आपकी थी पहले से, और कैसे, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। और मैकेनिक्स का जो पोर्शन है मैं यहाँ पे अपने चैनल पे कवर करूँगी, मैकेनिक्स BSc फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स के ऊपर मैं वीडियो अपलोड्स करूँगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब मैं मैकेनिक्स पे यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगी। सेकंड है हमारा पेपर सेकंड, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए यहाँ पे यूनिट 1 है जो आपका ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट थ्रू इंडक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये आपका न्यूली एडेड है, ठीक है, ये जो है आपने 11th में नहीं पढ़ा है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, ये आप बिल्कुल नया पढ़ने वाले हो BSc में, थ्रू इंडक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन RC एंड RLC सर्किट, ये भी आप न्यू पढ़ोगे BSc में। टाइम कॉन्स्टेंट हो गया, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सब न्यूली एडेड हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट के बारे में बेसिक आपने पढ़ा ही है, और बट यहाँ पे RLC LRC सर्किट के बारे में है, अल्टरनेटिव करंट उसकी बतानी, तो न्यू ऐड है, मतलब यूनिट 1 आपकी सारी न्यू है, ठीक है, ये सब आपने 12th में नहीं पढ़ा है, 12th में ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स था तो ये आपने नहीं पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंसेस है, फेज डायग्राम में क्यू फैक्टर है, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेट सर्किट है, थ्योरी ऑफ कपल्ड सर्किट है, ट्रांसफॉर्मर्स है, रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस है, एंड इम्पीडेंस मैचिंग है, AC ब्रिजेस है, मैक्सवेल एंड सियरिंग ब्रिजेस है, वेंस ब्रिज है और सियरिंग ब्रिज है, ये भी दोनों न्यू ऐड हुए हैं, ये आप अपने BSc में ही पढ़ोगे। अच्छा, जो आपका यूनिट सेकेंड है सेमी कंडक्टर्स के बारे में, तो ये आप पढ़ चुके हो 12th में, ओके, तो सेमी कंडक्टर्स है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ये दो टाइप है सेमीकंडक्टर की, ये दोनों जो है आपने 12th में पढ़ा है। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर भी आपने पढ़ा है, अनबायस्ड डायोड, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस डायोड, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। डायोड एज अ रेक्टिफायर, शायद ये है 12th में, अगर नहीं है तो आप इसमें पढ़ोगे, ओके। डायोड कैरेक्टरिस्टिक है, जेनर डायोड आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो 12th में। अच्छा, यहाँ पे जो न्यू ऐड हुए हैं वो आपका है एवलांच एंड जेनर ब्रेकडाउन, ये न्यू आप पढ़ोगे। पावर सप्लाईज है, रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, कैपेसिटर, इनपुट फिल्टर है, फिल्टर्स वगैरह के बारे में आप BSc में ही पढ़ोगे, आपने 12th में कोई भी फिल्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है या टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन है, जेनर रेगुलेटर है, ये भी आप न्यू पढ़ोगे। एंड बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, थ्री डोप्ड रीजन्स है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड यहाँ पे चीज़ें हैं, तो ये आप पढ़ोगे, ठीक है, BSc में। DC अल्फा, DC बीटा ट्रांजिस्टर कफ्स, ये भी आप BSc में न्यू पढ़ोगे। यूनिट 3rd है आपकी ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट, बेस बायस, एमिटर बेस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस, DC लोड लाइन, ये सब न्यू है, ठीक है। यूनिट 2nd जो है आपका थोड़ा स्टार्टिंग का मतलब कि वो आपने 12th में पढ़ा है, बाकी आपका यूनिट 1 है, यूनिट 3rd है, यूनिट 4 है, ये न्यू है, न्यू आप पढ़ोगे अपने BSc में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है,
कंपैरिजन टू मैकेनिक्स, ओके। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे। पेपर थर्ड है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में अब हम आते हैं, तो इसकी यूनिट वन अगर हम देखें तो हमारा कोहेरेंस है एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। तो आपने अपने ट्वेल्थ में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा है। इंटरफेरेंस की डिफिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से समझाई गई है, इवन आपके बोर्ड में भी आई होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा है, कोहेरेंस लाइट के बारे में पढ़ा है। पर यहाँ पे बीएससी में आप कोहेरेंस लाइट के बारे में और डिटेल्ड में पढ़ोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, कोहेरेंस की जितनी प्रॉपर्टीज़ है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की ओवरऑल सारी प्रॉपर्टीज़ आपको जो है यहाँ पे पढ़नी होगी अच्छे तरीके से डिटेल्ड में, ठीक। और बाई प्रिज्म न्यू है, थिन फिल्म न्यू है, ये आप पढ़ोगे। न्यूटन्स रिंग थोड़ा बहुत आपने इंटर में पढ़ा है, यहाँ पे न्यूटन्स रिंग का प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी आप न्यूटन्स रिंग का करोगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे माइकलसन एंड फेब्रे पेरोट इंटरफेरोमीटर, ये आपका न्यू है। ल्यूमर प्लेट न्यू है, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस न्यू है, फिल्टर्स न्यू है, ठीक है। यूनिट टू पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे फ्रेजनल डिफ्रेक्शन, फ्रेजनल जोन्स एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जोन प्लेट, फ्रेजनल डिफ्रेक्शन एट स्ट्रेस्ड एंड नैरो वायर्ड, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन एट मल्टीपल स्लिट्स, लिमिटिंग केसेस सिंगल एंड डबल स्लिट्स, ये सब न्यू है, आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। बीएससी में ये आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है। रिजॉल्विंग पावर है, क्राइटेरिशन है, एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ टेलीस्कोप, ग्रेटिंग पढ़ोगे आप, ठीक है। पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है ट्वेल्थ में, बाकी इसमें फिर से पढ़ोगे। निकोल प्रिज्म है, क्रिस्टल्स हैं, डबल रिफ्रैक्शन इन डबल रिफ्रैक्शन जो होता है अनएक्सियल क्रिस्टल में, ठीक है। क्रिस्टल क्या है, निकोल प्रिज्म क्या है, पोलराइजर क्या है, पोलराइड्स एंड रिटार्डेशन प्लेट क्या है, बेबिनेट कंपनसेटर क्या है, एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट, ये सब आप बीएससी में पढ़ोगे, ये आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। यूनिट फोर है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी, फ्रेजनल एक्सप्लेनेशन, हाफ सेड एंड बाइक्वार्ज, पोलारीमीटर। पोलारीमीटर का एक प्रैक्टिकल है आपका बीएससी में, वो आप करोगे, ठीक है। न्यूटन्स रिंग है, पोलारीमीटर है, तो कई जगह से शायद पोलारीमीटर का आप शायद रिमूव हो गया है, नहीं ये चेक करना पड़ेगा, पर मेरे टाइम पर पोलारीमीटर का था एलयू में। और यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड वेव मैट्रिसेस फॉर पोलराइजर, रिटार्डेशन प्लेट, रोटेटर, एप्लीकेशन टू सिंपल सिस्टम, ये सब आप पढ़ने वाले हो अपने बीएससी में, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आप क्या चीज़ें आप ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो उसको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे सारी डिस्कशन हो गई है आपके सिलेबस की, और यहाँ पे आपका मैकेनिक्स इजी है क्योंकि मैकेनिक्स का काफ़ी पोर्शन ट्वेल्थ का है और इलेवेंथ का है, एंड सर्किट फंडामेंटल में यूनिट टू आपकी ट्वेल्थ की है। बाकी सब यहाँ पर जितनी भी यूनिट है मैं बता रही हूँ वो सब आपका न्यू है, ठीक है। ऑप्टिक्स का जो है सिर्फ आपका कोहेरेंस लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये, एंड न्यूटन्स रिंग का थोड़ा बहुत आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, बाकी यहाँ पे न्यू है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। मैकेनिक्स अगर जिन लोगों ने 11 ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ी है तो उनको मैकेनिक्स इजी लग सकती है, अगर जिन्होंने खैर मैकेनिक्स का बहुत सारा पोर्शन 11th में, तो जिन लोगों ने 11th को सीरियसली नहीं पढ़ा है तो उनको यहाँ पे फिर से अच्छे से अपना जो है बीएससी में मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ऑप्टिक्स है आपका, तो ऑप्टिक्स भी इतना हार्ड नहीं है, ऑप्टिक्स भी इजी है, और ऑप्टिक्स में डिफिनेशंस वगैरह ज़्यादा है, कुछ फार्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अगर टफ पेपर कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कंपैरिजन टू मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स, ओके। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर्स में शेयर करें, और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।